हाय फ्रेंड्स, हमने आपको एक नया ऐप अपडेट दिया है। कुछ क्वेश्चन आ रहे थे कि हमें उसके बारे में ज़्यादातर मालूम नहीं है, तो उसका एक तरीका ये यूज़ करने का है कि जब आप मेरी ऐप खोलोगे, वहाँ मैसेज का ऑप्शन आती है, वहाँ पर एक लिस्ट खुलती है, उसको FAQ बोलते हैं। आप अगर आपके डॉग को कोई भगवान ना करे कोई सीरियस प्रॉब्लम हो, तो आप FAQ में जो लिस्ट खुलेगी उसमें आपको नॉर्मली डॉग खाना नहीं खा रहा, भगवान ना करे लूज मोशन, वॉमिटिंग एक्सेट्रा प्रॉब्लम का हल ऑलरेडी वहाँ है। इसका फ़ायदा हमें ये हो रहा है कि जो भगवान ना करे किसी का डॉग एमरजेंसी में हो, जो मस्ट नीडेड है, तो उसका ऑप्शन मैसेज सीधा मेरे पास आ जाता है। नहीं तो 90% आपके जो क्वेश्चन होते हैं उनके रिलेटेड मेरी ऑलरेडी वीडियोज़ होती हैं। तो ये FAQ हमने इसलिए चालू किया ताकि आप ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी ही अपनी प्रॉब्लम का समाधान आपको मिल जाए, आपको वेट ना करनी पड़े मेरी रिप्लाई की। तो फ्रेंड्स, आप नए ऐप को जरूर यूज़ कीजिए, अपलोड कीजिए, और ये FAQ फंक्शन है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब प्लीज़ अपने डॉग के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, हमारी वीडियोस है उस लिस्ट में, आप चेक कीजिए, तो आपको अभी मेरी रिप्लाई की वेट नहीं करनी पड़ेगी, आप अपने डॉग की प्रॉब्लम वीडियो देखकर सॉल्व कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ संगेश सोनावने। मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि जो डॉग लवर है उनके लिए खास है, जो हम डॉग को फूड देते हैं अलग अलग कंपनी का, तो जो ड्रूल्स कंपनी का फूड देते हैं उनके लिए ये खास वीडियो है। मैं मुंबई में कल्याण में रहता हूँ, हमारे यहाँ पे शॉप है पेट शॉप, वहाँ से पेट शॉप का नाम है हाई टेक विटनरी पॉलीकैप क्लिनिक का नाम है उनका। वहाँ से मैंने एडल डूल्स कंपनी का एडल नेचुरल 3 kg का पैक खरीदा था, तो मैं वो घर पे आने के बाद मैंने मेरे डॉगी को खिलाया, बट वो मैं जब ही वो फूड में मेरे एक पैक डब्बे में रख रहा था, तभी मैंने ये पलटी मारा उसमें डब्बे में, तो जब भी मैंने ये पलटी मारा तो उसमें से कीड़े निकले, तो मैंने ये फीड निकाल के चेक किया तो उसमें बहुत सारे कीड़े थे। तो मैंने कुछ उसके फोटोज़ निकाले हैं, ये है फूड जो मैंने लिया था 3 kg का पैकेज, और उसके फोटोज़ भी है मेरे पास, ये देखिए जो कीड़े थे उनके फोटोज़ भी है, ये देखिए, और मेरे हाथ पे भी मैंने रखा है। तो आप प्लीज़ जो ये डूल्स कंपनी का फूड देते हैं अपने डॉगी को, प्लीज़ आप वो चेक करके दे, कोई भी फूड रहे बट आप एक बार चेक करके दे। और सेकेंड थिंग कि जो भी मैंने ये 24 तारीख को लिया था, तभी मैंने ये डॉगी को मेरे खिलाया था, तभी मैं मेरे ये डॉगी को खिलाने के बाद उसी रात मेरा डॉगी अलग सा फील कर रहा था, तड़प रहा था, जाने कुछ उसे हो रहा है पेन, बट वो मुझे पता नहीं चला। दूसरे दिन उसका लूज मोशन, वॉमिटिंग चालू, मैंने उसके डॉक्टर को फ़ोन करके बताया सब ये बातें, तो डॉक्टर ने मुझे गोलियां दी, बोले ये गोलियां लेके उन्हें दो ठीक होएगा, बट 2 दिन मेरे डॉगी को ये इशू हुआ। तो इसके लिए मैं, ये मेरे साथ हुआ है, मेरे डॉगी के साथ, ये किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आपके पास। तो प्लीज़ आप, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपको कि आप कोई भी फूड लोगे चेक करके लो। थैंक्स। हाय फ्रेंड्स, जो आपने ये वीडियो देखा, जो हमारा कस्टमर फीडबैक था मुंबई से, तो उन्होंने एक फीड के बारे में जो कुछ कहा वो आई एम एग्री, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, लेकिन उसके भी आपको, आपके साथ ऐसा ना हो उसके कुछ कारण है। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए कि ये मेरे पास फीड है, तो आप इसको कैसे जज करोगे कि ये, क्योंकि फीड जब पैक होती है तो एयर टाइट होता है वो अंदर, इसके अंदर थोड़ी गैस या एयर टाइट रखी है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो इसके अंदर हवा है, तो अगर इसमें कोई छेद हो जाता है, चाहे वो छोटा सा पिन ही क्यों ना हो, अगर लग जाएगा तो, अगर हवा अंदर जाएगी, जैसे आजकल बारिश का सीज़न है, वो मेरे फ्रेंड मुंबई से हैं, मुंबई में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है इस मानसून से सीज़न में, तो अगर हवा अंदर जाएगी, हवा के साथ जो एक नमी होती है वो अंदर जाएगी, अंदर जाकर फिर वो कीड़े बन सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको सेफ्टी कैसे रखनी है, अगर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर रहे हो तो वो सेलर कौन है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप अमेज़ॉन से ऑर्डर कर रहे हो, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर रहे हो, या किसी शॉप से ऑर्डर कर रहे हो। अगर शॉप में या पेट शॉप में जाकर जाओगे, जो उन्होंने पेट शॉप का नाम लिया, वो वैसे ज़रूरी नहीं ऑनर की गलती हो,
कभी कभी जो सेल्स बॉय रखे जाते हैं वहाँ पर वो केयर नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्सपायरी ज़रूर देखिए, किसी फीड की एक्सपायरी है इसमें 24 मंथ्स है वैलिड, किसी फीड में 12 महीने लिखा होता है, कुछ फीड में 8 महीने लिखा होता है, एक्सपायरी ज़रूर चेक कीजिए। आफ्टर दैट आप जैसे ये मैंने आपको दिखाया ये तरीका है, इसमें अंदर हवा है तो फीड आपकी बिल्कुल आपको ऐसे खनकेगी, नहीं तो फीड अंदर सलाब सी जाएगी मॉइस्चर के कारण, उसमें भी कीड़े पड़ने का डर होता है। चाहे वो डूल कंपनी हो, चाहे पेडिग्री हो, रॉयल कैनन हो, स्मार्ट हार्ट हो, और भी कोई कंपनी हो, उसमें कंपनी की गलती नहीं है, उन्होंने जो पैकेजिंग कर कर बाद में ट्रांसपोर्ट जहाँ वो जो सेलर है उसकी ज़्यादा गलती है इसमें। आप अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फीड कोई ले रहे हो तो सेलर वहाँ कौन है वो ज़रूर आप रीड करिए, क्योंकि हमारे पहले भी एक ऐसा इशू आया था कुछ समय पहले, तब वो फीड थी मुंगिया फीड के बारे में आया था, लेकिन वो इतना बेटर वे से बता नहीं पाए हमें, लेकिन मेरे फ्रेंड ने काफ़ी अच्छा पूरा बताया है। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, कंपनी अपनी तरफ से पूरी गाइडलाइंस जो होती हैं गवर्नमेंट की वो फॉलो करती हैं, क्या आगे सेलर उसको फॉलो करता है, वो फीड को प्रॉपर केयर करता है कि नहीं। जैसे अगर आपके पास 20 किलो का बैग है, इसमें भी गैस है, आप देख सकते हैं हर एक बैग में होगी, अगर इसमें छेद हो जाए या कोई पिन वगैरह लग जाए माय फ्रेंड, तो ये फीड, ये तो पूरा 10 किलो का बैग है, इसमें भी सेम सिचुएशन आ सकती है जो उस वीडियो में दिखाया गया। लेकिन आप मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपके घर में एक है तो आप इतना बड़ा बैग मत लीजिए, आप छोटा 3-3 केजी के बैग ले सकते हो। अगर आपको इतना बड़ा बैग चाहिए, अगर आपके पास वन डॉग है, ये मोस्टली 10 किलो वाले ब्रीडर बैग को माना जाता है, आपके पास 2 या 3 डॉग हैं, अगर आपके पास एक डॉग है छोटा बैग, अगर ये लेना है आपने, आपको लग रहा है कि मेरे इसमें पैसे सेफ हैं, इसमें डिस्काउंट चल रहा है और पर की केजी के हिसाब से मैं अगर इतने 10 किलो वाले लूँगा तो मैं सस्ता पड़ता है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड लेते हैं, तो आपको क्या संभालना कैसे है कि अच्छे कंटेनर में, जो एयर टाइट कंटेनर हो, आधा बैग या जो भी आपको 5 या 10 किलो का बैग है, अगर 5 किलो का या 7 किलो का कंटेनर है या 2 आपके पास हैं 3-3 किलो के, तो उनमें फीड डालकर अच्छी तरह बंद कर दीजिए, हो सके तो पैकिंग टेप भी आप लगा सकते हो। तो आप स्टेप बाय स्टेप, मान लीजिए ये ख़त्म हो गया तो आप वो कंटेनर जो 2 भरे हुए हो वो यूज़ कर सकते हो। इसमें गलती मैं फिर बार बार कहूँगा, इसमें बहुत सारे प्रिकॉशन लेने होते हैं। बारिश का टाइम है, मानसून है, हवा में नमी होगी, अगर नमी फीड को टच करेगी, अंदर जाएगी बैग के, तो किसी भी कंपनी के बैग में ये दिक्कत आ सकती है माय फ्रेंड। तो आप इस वीडियो को पॉजिटिव लीजिए, नॉट अ नेगेटिव, नेगेटिव मत आप होइए, आपको बस प्रिकॉशन लेना है कि आपके पास अगर ऐसा कुछ हो तो आप सेम सिचुएशन में हो तो पहले तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो फीड अच्छी है, जब भी मार्केट से आप लो तो उसमें बैग में एयर भरी होनी चाहिए, तो बी केयरफुल। अगर आप जैसे कि आप न्यू पैकिंग जब आती है लाइक दिस तो उसमें एयर नहीं होती, लेकिन आप फिर भी चेक कर सकते हो कि इसमें मैन्युफैक्चर कब का है, एक्सपायरी कब होगी, जहाँ ये फीड है ये कैसे साउंड आ रहा है इसमें, आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि ये फीड कैसी है बिना खोलने से। लेकिन अगर खोला भी आपने, आपको इस जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, तो वहाँ कंपनी का टूल फ्री नंबर, चाहे वो ड्रूल हो, पेडिग्री हो, हर एक के पीछे कंपनी का टूल फ्री नंबर दिया जाता है, आप उन पर बात कर सकते हो उनसे टूल फ्री नंबर पर, और जो सेलर होगा वो चाहे कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो उसका भी नंबर दिया होता है। तो आपके पास ऑप्शन हैं, आपको रिटर्न मनी रिटर्न आ सकती है, फीड वापस चेंज हो सकती है आपकी, जो भी आप ऑप्शन लेना चाहो माय फ्रेंड। एक सबसे बड़ी पहचान ये है, जब आप फीड को ओपन करोगे, आप अगर रेगुलर एक कंपनी का डॉग फीड यूज़ कर रहे हो तो उसमें स्मेल आएगी आपको अजीब सी, एक तो चिपचिपाहट होगी एंड स्मेल भी आएगी। तो माय फ्रेंड ये जो वीडियो हमारे कस्टमर फीडबैक था, इसको आप पॉजिटिव वे लीजिए, क्या क्या वो चूक हो गई, सेलर से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, और आपको क्या प्रिकॉशन लेने हैं। होप आपको ये वीडियो माय फ्रेंड अच्छा लगा होगा, एंड इसको प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू अगेन पॉजिटिव वे लीजिए फ्रेंड्स, थैंक यू। और फ्रेंड्स एक मैं आपके रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं जितना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, विदाउट योर हेल्प मैं आई एम नथिंग, तो मुझे एक आपकी हेल्प चाहिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरी वीडियो शेयर कीजिए। जो घर बैठे अपनी डॉग की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे, बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं, तो अगर आप जितनी ज़्यादा वीडियो शेयर करोगे तो वो भी घर बैठे अपने तरीके से अपने डॉग को बेटर तरीके से डॉग को मैनेज कर पाएंगे, उनको बेटर तरीके से खान पान और अच्छे तरीके से
प्योर ब्रीड की भी जज कर पाओगे, क्योंकि मेरे टॉपिक हर एक सिंगल वीडियो टॉपिक्स पर हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को जितनी ज़्यादा ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। अगर वो डॉग लवर नहीं भी हैं तो उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी, लेकिन अगर डॉग लवर हैं तो ज़रूर 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 शेयर कीजिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप जितना हो सके मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक से ही मेरे को एनर्जी मोटिवेशन आता है न्यू न्यू टॉपिक्स उठाने में, आपकी क्वेश्चन के आंसर देने में। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आई नीड एनर्जी, आई नीड अ बूस्ट अप। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को जरूर लाइक्स कीजिए, थम्स अप दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स डॉग रखते हैं लेकिन नॉलेज बहुत कम है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि इंडिया का कोई भी डॉगी कभी भी सिक ना हो। अच्छा खान पान रहेगा तो ऑटोमेटिकली बीमारियों से डॉग को कम बीमारियाँ लगेंगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी और वीडियोज़ नहीं देखने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ में जो बेल आइकॉन वाला बटन है वो ज़रूर 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 प्रेस कीजिए, ताकि हमारा जो वीडियोज़ आता है आपको सेम टाइम नोटिफिकेशन जाए।